पढ़ेंगे कैसे फार्मूले को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चेंज मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। समझो ध्यान से समझाओ कैसे होगा। जैसे आपने पढ़ा था कि इधर देखो गाइस, ध्यान से देखो आप, तो ध्यान से आप समझो कि क्या आपको दिख रहा है यहाँ से साफ। और दो गाइस ये आपका, आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ई एक्स की पावर एन डी एक्स, तो फार्मूला पढ़ा था ई एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन प्लस वन प्लस सी, एन इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, आपने से पढ़ा था। लेकिन क्या हो, व्हाट इफ़ आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स की जगह ये ना रख के वहाँ आपको क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन आ गया, डी एक्स आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा, ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बस याद रखना है अंतर सिर्फ इतना होगा कि जहाँ आपका लीनियर जो टर्म था उसमें एक्स का जो कोफिशियंट उससे क्या लग जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है। याद रखना हमेशा एक्स की पावर यहाँ पे वन होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया या क्यूबिक बन गया तब वहाँ से नहीं करोगे, ठीक है। सेकंड आपने क्या पढ़ा है, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है एल एन एक्स एल एन मॉड एक्स। बट अभी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको मिल जाए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, सम लीनियर टर्म आ जाए, तो उसका फार्मूला इसका होगा एल एन मॉड ए एक्स प्लस बी, जो एक्स का जो कोफिशियंट उससे क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। बट अब हमें पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। फोर्थ हमने यहाँ क्या करना है गाइस, वही फार्मूला हमारे पास ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। बट अगर ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू कुछ लीनियर उसकी पावर हो जाए, क्या करना पड़ेगा, ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एल एन ए, पर ध्यान देना है जो एक्स का जो कोफिशियंट है पी उसे क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आपको होता है, माइनस कॉस एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आपको कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी, यहाँ पे कॉस एक्स कॉस ए एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस बी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन टेन ए एक्स प्लस बी। अगला जो हमारे पास है कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होगा माइनस वन अपॉन ए कॉट ए एक्स प्लस बी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, यहाँ पर होगा सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन वन अपॉन ए बेसिकली आपका आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से कोसेक एक्स में आपका गाइस कितना होगा, देखो इससे कोसेक ए एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ए एक्स कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। अगर आप वहाँ पे जहाँ एक्स वहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिख दो, ए एक्स प्लस बी लिख दो एंगल के पास, तो जो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा कि जहाँ पे आपका सब आंसर सेम होगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, जो लीनियर टर्म में ए है उससे क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इन सारी बातों को ध्यान में देते हुए हमें करना है। सिखाई से एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूँ, टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, कॉट एक्स का भी हमें पता नहीं, अभी बताया नहीं हूँ, सेक एक्स का नहीं बताया हूँ, और किसका नहीं बताया हूँ, कोसेक एक्स का नहीं बताया। तो फिर अभी मैं आपको जब आगे बताऊँगा तो इसको भर दूँगा। तो इतने आपको इंटीग्रेशन वन से लेके फोर्टीन तक इंटीग्रेशन अब तक आपको याद होना चाहिए, दस तक याद होना चाहिए, ग्यारह बारह तेरह चौदह छोड़ दो, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन को भी छोड़ो, अब वन से लेकर टेन तक आपको इंटीग्रेशन ढंग से याद होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना इंटीग्रेशन आएगा तभी होगा, ठीक है। तो याद रखना है सिर्फ आपको लीनियर होना चाहिए, तभी आप इसका ऐसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, और आप इसका प्रूफ भी जानते हो गाइस, इसको टी कर लोगे ना, जो लीनियर आप उसको टी करोगे तो आपको ऐसा मिलता बनता हुआ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस जो हम पढ़े उस पर हम एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर टू है, एग्ज़ाम्पल नंबर टू का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका दिया है सेक स्क्वायर माइनस सेवन माइनस सेवन सेक स्क्वायर ब्रैकेट में सेवन माइनस फोर एक्स डी एक्स लिखा, तो आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन गाइस करना है। तो आप डायरेक्ट करोगे, कैसे करोगे कि यहाँ पे देखो गाइस आपका कितना है, इसका होगा इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक स्क्वायर इसका कितना होता है टेन, तो ये होगा टेन सेवन माइनस फोर एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना है किससे डिवाइड करना है, जो आपका लीनियर टर्म है आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, इसमें जो एक्स का कोफिशियंट कितना कोफिशियंट आपका है, माइनस चार, तो माइनस चार से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा,
योगा प्लस सी, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एक, अब देखो गाइस सेकंड पार्ट इसका। अभी गाइस इस तरह क्वेश्चन हमने आगे लगाया है, पहले लगाया है, लेकिन हमने वहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के सॉल्व किया था, तो उससे जो आंसर आएगा आया था, अभी जो मैं जिस मेथड से यहाँ पे लगाऊंगा, दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, इसलिए कन्फ्यूज मत होना कि सर एक ही क्वेश्चन के दो आंसर कैसे आएंगे, ठीक है। तो आंसर सेम होगा, ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आपका वन अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो गाइस क्या करो, ऊपर नीचे फोर से मल्टीप्लाई कर दो, फोर से ऊपर मल्टीप्लाई कर, नीचे ऊपर फोर हो जाएगा, नीचे कितना होगा, फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब गाइस आपका देखो कितना, फोर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर होगा डी एक्स, ऊपर नीचे कितना होगा, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब गाइस आपको पता है टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा क्या होता है, टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा होता है साइन टू एक्स, क्या होता है साइन टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स ये ऊपर जाएगा तो क्या हमारा बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब गाइस आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉट टू एक्स प्लस सी होगा, लेकिन गड़बड़ क्या गई, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है टू एक्स है, तो टू एक्स में किसके किससे डिवाइड में करना पड़ेगा, इसके टू से हमें नीचे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ से टू हट जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस टू कॉट टू एक्स प्लस सी, तो इसका आंसर आपका इसी हो जाएगा। तो याद रखना कि इसका आंसर आपका माइनस टू कॉट या माइनस टू कॉट टू एक्स भी हो सकता है, ठीक है। अगला का इस क्वेश्चन इसी का पार्ट थर्ड। तो गाइज अगला क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन गाइज हमारा होता है क्या होता है कॉट एक्स, तो ये क्या होगा माइनस कॉट थ्री एक्स प्लस टू, बस आपको याद रखना है जो एक्स का कोफिशियंट है वो कितना है थ्री, थ्री से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक गाइज। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया पहले का, दूसरे एग्जाम्पल नंबर टू का। गाइज क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट, एग्जाम्पल नंबर टू का फोर्थ पार्ट देखिए, ये आपका लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी और ये लिखा है कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर आपको दिख गया होगा कि यार तो ये कहीं फार्मूला हमारा सेट तो नहीं हो रहा है। देखो हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन टू का फार्मूला होता है कितना होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, हमें कहीं ये तो नहीं बन रहा है, बन रहा है देखो, ये देखो यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, साइन के साथ जो यहाँ पे लिखा वही कॉस साथ यहाँ पे लिखा है, बस कमी है तो सिर्फ किसकी दो की, उस कमी को हम लोग पूरा कर देते हैं, वन बाई टू यहाँ करता हूँ, दो से डिवाइड कर दिया, दो से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। साइन इंटू कॉस का हमारा कितना होता है, साइन इंटू कॉस हमारा होता है हो जाएगा साइन टू थीटा, एक्स के प्लेस हमारा टू एक्स है, एक्स के एक्स प्लेस हमारा क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कितना है ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो देख रहे हो ये आपका क्या हो गया, अब इसको आप लिखोगे तो कैसे होगा साइन ये अंदर जाएगा टू तो कितना होगा टू ए एक्स प्लस टू बी, यहाँ पे क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। अब गाइस देखो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये होगा माइनस कॉस टू ए एक्स प्लस बी, फिर आप देखो एक्स का कोफिशियंट आपका कितना है, एक्स का कोफिशियंट आपका कितना टू ए, तो टू ए से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो गाइस आपका कितना बन जाएगा ऊपर हो गया कॉस टू ए एक्स प्लस बी और नीचे हमारा होगा टू टू जो फोर और यहाँ पर होगा प्लस सी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आपका हो गया माइनस कॉस टू ए टू ए एक्स प्लस बी अपॉन फोर। गाइज एग्जाम्पल नंबर टू का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए आपके पास लिखा है क्या है साइन फोर एक्स अपॉन साइन टू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर अगेन वही फार्मूला लगाऊंगा कि मैं देखो ये एंगल आपका चार है, यहाँ पे एंगल कितना है दो,
इसको हम बड़े आराम से, मैं क्या साइन 4x को ब्रेक नहीं कर सकता क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 sin 2x इंटू cos 2x, इसको मैं बड़े आराम से ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, ये मेरा कितना होगा, ये होगा sin 2x इंटू cos 2x अपन sin 2x, यहाँ पे क्या होगा, dx यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, इंटीग्रेशन 2 cos 2x यहाँ पर हो जाएगा dx, 2 बाहर आ जाएगा, cos से कितना होगा sin 2x अपॉन 2 प्लस सी।